और टीवी 9 हिरोशिमा में पहुंचा है, उस जगह पर जहां आज भी 1945 में हुए उस एटॉमिक अटैक के निशान दिखते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी वीरेंद्र आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये है वो एटॉमिक बॉम्ब डोम जो उन बेहद चंद गिनी चुनी बिल्डिंग्स में से एक है जो आज भी यहाँ पर ऐसे खड़ी है उस हमले को झेलने के बाद भी, क्योंकि बहुत बड़ा हमला था। 10 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं बचा था, 1,40,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन इस बिल्डिंग को अब मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया है और इसके आसपास किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये जो आप इलाका पूरा देख रहे हैं ये पीस पार्क है जो उन विक्टिम्स की याद में बनाया गया है। यहाँ पर G7 लीडर्स आएंगे, यहाँ पर उन विक्टिम्स को श्रद्धांजलि देंगे। 2016 में पीस मेमोरियल पर बराक ओबामा आए थे, जो बाइडेन आ रहे हैं, उम्मीद सब उनसे ये कर रहे हैं कि शायद वो अमेरिका ने जो परमाणु अटैक जापान पे किया उसके बारे में कुछ बोलें। क्या जो बाइडेन ये बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर एक बहुत बड़ा परमाणु बम फोड़ा गया उसके निशान लाइव इस वक्त आपके सामने है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, ये है वो एटॉमिक बॉम्ब डोम जो बताता है कि उस दिन क्या हुआ था जब इस धरती से 2000 फीट ऊपर वो एटम बॉम्ब फटा था और आज भी उसके निशान यहां पर साफ देखे जा सकते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष अब वहां पहुंचा है जहां पर दुनिया के सबसे पहले परमाणु अटैक के निशान देखते हैं। इस वक्त हम वहां पर खड़े हैं जहां पर सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका की तरफ से एक परमाणु बम और जिसने हिरोशिमा के लगभग 1.5 लाख लोगों की जान ले ली। मैं अपना कैमरा सहयोगी वीरेंद्र से कहूंगा आपको दिखाएंगे। वो देखिए सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर आपको एक डोम दिख रहा है, गुंबद बिल्कुल क्षत विक्षत जो ये बिल्डिंग दिख रही है, ये हिरोशिमा की उन चंद बिल्डिंग्स में से एक है जो उस परमाणु अटैक को झेल कर भी आज तक खड़ी है। इसको एटॉमिक अटैक डोम कहा जाता है और ये उस जगह से मात्र 160 मीटर दूर है जहां पर परमाणु बम फटा था और इसको 1996 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है और इसलिए इस बिल्डिंग की एक बहुत अहमियत है। लेकिन इस बिल्डिंग की अहमियत अब और बढ़ने जा रही है क्योंकि यहां पर 2000 ये उस पीस मेमोरियल पार्क का हिस्सा है जो हिरोशिमा एटॉमिक अटैक के विक्टिम्स की याद में बनाया गया है और यहाँ पर G7 समिट के दौरान तमाम लीडर्स आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मेमोरियल पार्क में आएंगे। आपको मैं जरा दिखाता हूँ, यहाँ तैयारियाँ देखिए, आप देखिए कैसे जापान की पुलिस जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की गई हैं, कमांडोज तैनात किए गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया नेशनल मीडिया का यहाँ पर भारी जमावड़ा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही वो यहां पर जब आएंगे तो G7 लीडर्स को जब यहां पर लाया जाएगा उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। हम यहां पर मौजूद हैं, आपको वो तस्वीरें भी लाइव दिखाएंगे। लेकिन ये परमाणु हमले के निशान दिखते हैं जिसने परमाणु हमले को झेला है और जो उठकर खड़ा हुआ है उस हमले के बाद, उस त्रासदी के बाद, वो पूरी दुनिया को शांति का मैसेज देता है और इससे बड़ी कोई जगह हो नहीं सकती उस दौर में जब न्यूक्लियर हमलों की बात एक बार फिर से कही जा रही हो, जब न्यूक्लियर अटैक्स की बात एक बार फिर से कही जा रही हो। और यहां से क्या वो मैसेज रूस को दिया जाएगा, क्या मैसेज रूस यूक्रेन के बीच शांति खोजने के लिए यहां पर दिया जाएगा, क्या मैसेज चाइना को दिया जाएगा, नॉर्थ कोरिया जो लगातार न्यूक्लियर हथियारों की रेस में बना हुआ है उसको क्या दिया जाएगा, ईरान जो लगातार न्यूक्लियर हथियारों की रेस में बना हुआ है उसको क्या मैसेज दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 नेटवर्क, हिरोशिमा।